चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। फिर से बोल रहा हूँ भाई, दो टाइप के कार ओनर होते हैं भाई, पहला तो समझदार जो आपका ये वॉशर फ्लूइड यूज करता है, दूसरा भाई बेवकूफ ये शैम्पू यूज करता है। अब भाई शैम्पू यूज क्यों नहीं करना चाहिए, बेवकूफ क्यों बोल रहा हूँ वो आप देखो इस वीडियो में। भाई ये शैम्पू डाल दिया मैंने इसमें। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल, भाई मेरा नाम है यादविंदर चौहान, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो भाई इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए भाई एक सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसा भाई, हम सिंपली वॉशर्स में जो वॉशर से पानी निकलता है ना उसमें क्या डालते हैं भाई, शैम्पू डालते हैं। सब मैं शैम्पू के बिल्कुल खिलाफ हूँ, उसका नुकसान सुन लो पहले। तो भाई यहाँ जो ये वॉशर दिख रहे हैं ना, एक बार ये दिखा, जो वॉशर्स के ये जो छेद है ना भाई, ये बहुत पतले पतले होते हैं, इनमें आपका जो शैम्पू के पार्टिकल्स होते हैं ना वो आके फंस जाते हैं, बिल्कुल जाम हो जाते हैं, जिससे आपका और ज़्यादा नुकसान होगा, यानी आपको इनको चेंज करवाना पड़ेगा। फिर आपने तो 2 रुपये का 1 रुपये का कुछ पैकेट आता है वो शैम्पू डाल लिया, नुकसान हो गया आपका, 1000 होगा ये चेंज कराओगे बाद में। अब ये डलता कैसे है, आप कुछ तो गलत तरीके से ही डालते हैं, कुछ को डालना भी नहीं आता, क्या करेंगे भाई। ये जो आपको दिख रहा है ना, पहले तो इसकी मार्किंग बता देता हूँ भाई, ये मार्किंग होती है वाइपर का, आपको साइन मिलेगा वॉशर का, और ये ब्लू कलर का मिलेगा हर गाड़ी में भाई, ब्लू कलर का ही मिलेगा। अब मेनली हमारे पास 2 प्रोडक्ट है भाई, एक शैम्पू रहेगा और एक जो वाटर फ्लूइड जो कंपनी देती है हमें सर्विस के टाइम, तो मैं भाई वो निकाल के लेके आता हूँ, उधर से आ जा, फिर सोल्यूशन करेंगे कि कौन सा बेटर रहता है और कौन सा नहीं रहता, वो भी प्रैक्टिकली आपको मैं बताऊंगा भाई। ये तो अपना शैम्पू रहा अपने पास, ये क्लिनिक प्लस भाई, ये किसका है, बालों का है ना कि गाड़ी के शीशों का। तो भाई एक प्रोडक्ट अपने पास ये दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हो वॉशर फ्लूइड, ये भाई हमें सर्विस करवाई थी ना तो एक मारुति वाले फ्री देते हैं, तो 2 प्रोडक्ट है। अब मैं 2 डिस्पोजल लेके आया हूँ, ये फैला से इसको खोल के थोड़ा सा थोड़ा फैल भी गया भाई, ज्यादा नहीं डालूंगा, ठीक है भाई इतना डाल दिया है मैंने, अभी वेस्ट भी होगा खाम खा, अभी इसको डालूंगा अभी मैं अंदर ही, ठीक है भाई ये डाल दिया इसमें, हो गया ये ब्लू ब्लू वो सॉरी ग्रीन ग्रीन, ये है अपना, ये थोड़ा बिखर गया इसको थोड़ा साफ कर लेता हूँ मैं, एक बार कपड़ा होगा ना अपने पास, तो ये तो अपने पास है वॉशर का, और दूसरा अपन लेते हैं क्लिनिक प्लस शैम्पू। ये आप देख पा रहे हो ये खोला, तो हल्का सा ही डालूंगा भाई इसको मैं, देख पा रहे हो आप भाई, देख पहले ही कितना गड्ढा है, मैं बता रहा था नहीं जाम कर देता है ये, बस इतना डालेंगे भाई, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस अब इसको रख लेते हैं साइड में, वहीं पर रख देते हैं बिल्कुल आराम से, ठीक है भाई। अब अपने पास था ये वाटर बॉटल और इसमें पानी, पहले तो भाई शैम्पू में डाल देता हूँ, हाफ हाफ ही भरेंगे बस, ठीक है भाई अब इसमें डाल देता हूँ, ठीक है भाई बिल्कुल बराबर बराबर सही पानी है भाई, जितना मैंने इसमें लिया था जितना। अब थोड़ी देर डिजोल्व हो जाने दो इसको, मतलब अब कंटिन्यू रहेगी वीडियो, में कट नहीं करूंगा। तो भाई अब हमने सॉल्यूशन तैयार कर दिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ किस हिसाब से कौन सा सॉल्यूशन है भाई, ये देखो बिल्कुल इसमें कुछ है, मतलब इतना प्योर है ये भाई, इतना प्योर इसमें आपको कुछ नहीं दिख रहा, बिल्कुल लाइट सॉल्यूशन, ना कोई फंसने का कुछ पार्टिकल आ रहा। अब ये देखो कितना गड्ढा बना है भाई, इसमें झाग देखो, देख पा रहे हो ये काफी, और इसमें देखो खुद ही आप डिफरेंस लगा सकते हो कितने किसमें कितना है, ये साफ है और इसमें देख लो, इसका जो बेस है ना ये जो वाटर फ्लूइड अच्छा वाला दिया गया, जो कंपनी ने दिया गया था, और ये जो शैम्पू, अब शैम्पू का बेस भी अपने को ग्लास का देखो दिख रहा है, इसका बेस कितना, उंगली भी मेरी साफ दिख रही है जो नीचे है, अब इसमें मैंने उंगली लगा रखी है, इसमें हल्की हल्की दिख रही है, इसमें बिल्कुल साफ दिख रही है जैसा कि आप देख पा रहे हो, देख लो। तो भाई इसलिए शैम्पू मत डालो और ये वॉशर फ्लूइड का यूज करो, और मैं दिखा देता हूँ आपको डालने का तरीका भी बता देता हूँ, एक तरीका आप कैसे डालोगे। अब कुछ लोग होते हैं भाई कैसे डालते हैं, ऐसे डालते हैं
वाटर बॉटल ले लेंगे पहले तो उसमें डाल लेंगे ये वाटर फ्लूइड और उसके बाद वाटर डालेंगे पहले भाई ये आप है ना ये इसमें पूरा डाल दो जैसे उसके बाद वाटर डाल दो। अब मैं पानी नहीं है मेरे पास फिलहाल तो मैं बाद में डालूंगा इसको डाल देता हूँ ठीक है भाई पहले ये डाल दो उसके बाद आप डालो ना कि पहले इसमें घोल के फिर डालो बाद में ऐसा कुछ मत करो ये पूरा डाल दो उसमें उसके बाद पानी की बोतल डालो ठीक है भाई। मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया खर्चे से बचो ये बिल्कुल जाम हो जाएंगे भाई ये जाम हो सकते हैं ये तो मैंने बता दिया। अब शैम्पू का पानी की नुकसान सुनो फटाफट से अब इस पानी को आप डालोगे ना एक तो वो जाम होंगे और जो आपकी मोटर होती है ना उसको भी खराब कर सकता है ये पानी क्योंकि इस पानी उठाने में भाई कोई हल्की चीज उठाओगे तो बिल्कुल आसानी से उठा सकते हो भारी चीज उठाओगे तो आपको थोड़ा दम लगाना पड़ेगा ना इसलिए ये मोटर होती है ना जो वाइपर की जो यहाँ पे प्लेस होगी आसपास उस पे भी जोर पड़ेगा और वो भारी पानी उठाने से जल्दी आपकी बांधने यानी फूक जाएगी आपको कॉस्ट करेगी नहीं डलवाओगे तो भाई कोई फायदा नहीं है 10 रुपए वो 10 का बोलो 2 रुपए का नुकसान कितना भारी नुकसान पड़ेगा 2 रुपए की वजह से। तो भाई इसको फेंको ये नहीं डालना है भाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना फिर से बोल रहा हूँ भाई आप सपोर्ट बनाए रखो अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेंगी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड। और भाई आप कमेंट कर दो किस सिचुएशन पे या कुछ भी आपको लगे कि गाड़ी में ये बताओ वो बताओ सब बताऊंगा मैं पर आप एक बार सब्सक्राइब कर दो चैनल को सब्सक्राइब करके बिना मत जाना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच।